ग्वालियर में 10वीं बोर्ड की परीक्षा देते एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। खास बात यह है कि परीक्षार्थी अपने दोस्त की जगह परीक्षा देने आया था। अब तक वह 4 पेपर दे भी चुका है। केंद्र अध्यक्ष की सूचना पर हजीरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी के साथ मूल परीक्षार्थी को भी हिरासत में लेकर मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल परीक्षा केंद्रों की जांच करने पहुंची टीम ने जांच की तो यह आदित्य परमार के नाम पर परीक्षा दे रहा था। परीक्षार्थी को देखकर टीम को शक हुआ। जब उन्होंने पूछताछ की तो परीक्षार्थी ने बताया कि वह खुद ही आदित्य परमार है, लेकिन जब फोटो मिलान हुआ तो फिर यह फर्जी वाला पकड़ में आ गया। आदित्य की जगह परीक्षा देने वाला युवक संजय पाल निकला। केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर हजीरा थाने में केस दर्ज किया गया है। फर्जी परीक्षार्थी संजय पाल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। ग्वालियर से योगेश विसारिया की रिपोर्ट। 10th का जो पेपर था उसमें साइंस के पेपर के दौरान एक विद्यार्थी के स्थान पर दूसरा विद्यार्थी पेपर दे रहा था। जो विद्यार्थी पकड़ा गया है वो 12th पास कर चुका है। फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा परीक्षा के दौरान इस विद्यार्थी को पकड़ा गया। पुलिस ने प्रथम दृष्टया धारा 419, 420 और परीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। जिसके स्थान पर परीक्षा दे रहा था और जो व्यक्ति परीक्षा दे रहा था दोनों को आरोपी बनाया और पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन मंडल की टीम द्वारा उस परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया और रैंडमली एक बच्चे पर उनको शंका हुई तो उनके पास जो मोबाइल में ऐप था सॉफ्टवेयर उसमें उसका रोल नंबर इंटर किया गया और जब उसका रोल नंबर इंटर किया गया तो उसमें उसकी पूरी प्रोफाइल सामने आ गई। प्रोफाइल सामने आने के बाद प्रथम दृष्टया ये लगा कि ये वो छात्र नहीं है जिसका प्रवेश पत्र में नाम है। वास्तविक छात्र से भिन्न छात्र परीक्षा में पाया गया और जब ये कन्फर्म हो गया कि वो छात्र नहीं है जिसका नाम प्रवेश पत्र में है तो हमारे जो केंद्राध्यक्ष थे उनके द्वारा स्थानीय थाने में जो है इसकी सूचना दी गई और आवेदन प्रस्तुत कर उस छात्र के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।